तो हम लोगों में से 28 में से 27 लोगों को कोरोना हो गया, 28 में से 27 लोगों को कोरोना हो गया, और वो 27 के 27 लोग एक्सपायर हो गए 28 में से। उसमें से बचा मैं सिर्फ अकेला, तो मैं बहुत डर गया अंदर से। पहले मम्मी कहती थी कि इसमें चलो सुबह जल्दी उठना होता है, ये करो वो करो, मैंने बोला आप ही करो, मैंने बोला मुझसे नहीं होगा। तो फिर जब मैं वहाँ गया आज ही के दिन, जब मैंने वहाँ देखा ये सारी चीज़ें, वहाँ पे इतनी सारी दीदियाँ और सभी वाइट ड्रेस में सभी लोग बैठे हुए हैं, उसकी एक अलग ही मतलब वाइब्रेशन होती है। उसके बाद फिर जैसे ही वहाँ पे जाने के बाद हमने वो प्रोग्राम देखा, तो अंदर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आया, मन बुद्धि एकदम से बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई खींच रहा है, जैसे एक ऊपर एक चुंबक लगी है, ये लोहा है वो एकदम खींचता है ना एकदम से, ऐसा मतलब फील हुआ। उसके बाद फिर मैं ग्वालियर चला गया पढ़ने के लिए भिंड से। जैसे ही मेरा 12th मेरा पूरा हुआ तो मैं ग्वालियर चला गया था। तो ग्वालियर में गोविंदपुरी सेंटर पर, वहाँ पे मम्मी ने बोला कि वहाँ पे पहले 7 दिन का कोर्स करूँ, तो फिर वहाँ पे जाके मैंने 7 दिन का कोर्स किया। 7 दिन का कोर्स करने के बाद थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे वहाँ पे फिर मुरली सुनना स्टार्ट किया, कैसे मुरली होती है क्या होता है, फिर ऐसे ऐसे करते गए। धीरे धीरे थोड़ी बहुत ज्ञान भी आने लगा, योग भी लगने लगा हल्का हल्का। उसके बाद फिर हमारा सीधा हम चले गए फिर दिल्ली तैयारी करने के लिए। फिर जब जैसे ही दिल्ली गए तो वहाँ पे जहाँ हम रहते थे वहाँ हमने सेंटर ढूँढा कि यहाँ पे सेंटर कौन सा है पास में। तो वहाँ पे वजीराबाद में सेंटर था, वजीराबाद मुखर्जी नगर में सेंटर था, तो मैं वहाँ पे गया। और वो सेंटर जो था वो चक्रधारी दीदी के मतलब उसमें था, कनेक्शन में था। तो मैंने बोला कि मुझे उनसे भी मिलना है, मैंने नाम भी सुना था उनका। तो फिर मैं उनके पास गया, चक्रधारी दीदी के पास। तो उनसे जब मैं मिला शक्ति नगर में, तो उनका इतना मतलब कहते ना दीदी से एकदम ऐसा लग रहा था कि मैं साक्षात्कार देवियों से मिल रहा हूँ। दीदी में इतनी पावरफुल, इतना वो योग, इतना वो, उन्होंने फिर मतलब वरदानी हाथ जब मेरे सिर पे रखा तो वो एक अलग ही वाइब्रेशन अंदर पूरे में वो हुआ। फिर मैं वहाँ पे धीरे धीरे सेवाएं करने लगा, फिर मैं सेंटर पे भी बहुत सारी सेवाएं करता था। धीरे धीरे दीदी ने मुझे 12 नंबर गली का सेंटर दे दिया, मतलब वजीराबाद में दो सेंटर थे, एक 3 नंबर गली में एक 12 नंबर गली में। तो दीदी ने सेवाएं देखते हुए 12 नंबर गली का मुझे सेंटर दे दिया कि आप यहाँ पे क्लासेस कराओ, आप यहाँ पे मुरली भी सुनाओ, और जो नए नए जो लोग आते थे उनको मेडिटेशन कराना, उनको मोटिवेट करना कि कैसे मोटिवेट होना है, हम तो नहीं हम चले जाते हैं डिप्रेशन में कभी कभार, तो उनको कैसे उस चीज़ से निकालना। तो वहाँ पे ज़्यादातर यंग लोग रहते थे, जैसे हमारी तरह स्टूडेंट लाइफ वहाँ पे रहते थे। तो स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट्स रहते थे तो वो आना शुरू हुआ उन लोगों का, तो उनकी एक दो क्लासेस दीदी बोलती थी आपको कराना है, तो 12 नंबर गली में ऐसे करना स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे करते करते फिर हमारी बाबा ने हमारी एक जॉब लगवा दी, गवर्नमेंट जॉब थी उस समय। गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद सबसे पहला जो अनुभव था मुझे, वो मुझे उसी समय हुआ था, उसी समय कोरोना भी आ गया था 2020 में। तो हमारा 28 लोगों का ग्रुप था, तो वहाँ पे जैसे ही हम लोगों को भेजा तो हम लोगों में से 28 में से 27 लोगों को कोरोना हो गया, 28 में से 27 लोगों को कोरोना हो गया, और वो 27 के 27 लोग एक्सपायर हो गए 28 में से। उसमें से बचा मैं सिर्फ अकेला, तो मैं बहुत डर गया अंदर से, और इतना डर गया था कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, कि मतलब मैं ही अकेला क्यों मतलब बचा 28 में से, 27 में भी मेरा नंबर आ जाता, कुछ भी हो जाता। तो मैं तुरंत भाग के मैं गया दीदी के पास, चक्रधारी दीदी के पास मैं गया, मैंने बोला दीदी ऐसा ऐसा हुआ है, अब आप बताओ क्या करना है। तो वहाँ पे दीदी बैठी थी उस समय, तो उस समय तो थोड़ा वो भी था कि मतलब प्रोटोकॉल था कि दूर से बात करना है, ये सब चीज़ें जो भी मास्क वगैरह लगा के, तो वो था। तो दीदी ने बोला कि आप एक काम करो, आप जॉब छोड़ दो। मैंने बोला जॉब छोड़ दो कि हाँ आप जॉब छोड़ दो, क्योंकि देखो बाबा आपसे ये सेवाएँ ना करा के दूसरी सेवाएँ कराना चाहता है, इसलिए बाबा ने सिर्फ तुमको बचाया है। और मुझे ऐसा फील भी हुआ था उस समय कि बाबा ने मुझे अपनी गोद में उठा लिया था, और बाकी 27 लोग जो है ना वो एकदम मृत पड़े हुए हैं, जैसे बाबा ने बोला कब्रिस्तान बन जाएगा, इस तरीके से भी फील हुआ था। 27 लोग पड़े हैं और बाबा ने मुझे उठा लिया है उसमें से।
तो मेरा वो फर्स्ट टाइम का अनुभव था, बहुत अच्छा अनुभव था। फिर मैं अपने घर आ गया भिंड में। फिर उस समय कोरोना में ना तो गाड़ियाँ जाने के लिए था, ना मतलब ट्रेन से मैं मतलब जा सकता था। फिर मैंने बोला अब कैसे जाना होगा, तो फिर वहाँ पे मेरे एक भाई रहते थे जो एक मंत्री के कोई पीए वगैरह थे, तो उनसे मैंने बोला कैसे भी करके व्यवस्थाएँ बनाओ, मुझे दिल्ली आना है। तो उन्होंने फिर जैसे तैसे व्यवस्थाएँ बनवा के फिर मैं दिल्ली गया, और सबसे पहले अपने ऑफिस में गया और मैंने अपना रिजाइन लेटर साइन करके मैंने उनको दे दिया। मैंने बोला ये लो मेरा रिजाइन लेटर। तो ये पहला अनुभव था कि बाबा ने, फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर मैं आगरा आ गया। ये सब खत्म होने के बाद दिल्ली, आगरा आने के बाद फिर मैं दीदी से मिला यहाँ पे। दीदी की भी बहुत अच्छी पालना रही, बहुत अच्छा उन्होंने समझानी जो देते हैं वो बहुत अच्छा दिया। यहाँ पे भी मुझे बहुत सारे अनुभव हुए। एक बार की बात थी जब मैं दीदी के साथ अभी कोई प्रोग्राम में गया था, तो टूनला पे बहुत लंबा जाम लगा हुआ था, हम और दीदी थे, और उस जाम में से हम लोग कैसे निकल गए, इतनी जल्दी कैसे निकल गए। दीदी मेरे साथ बैठी थी और बाबा उस गाड़ी को चला रहा था, और उस जाम में से हमने पीछे मुड़ के देखा जाम बहुत लगा हुआ था। हमने कहा दीदी ये तो हम लोग बहुत जल्दी निकल आए उस जाम में से। तो वो बाबा गाड़ी चला रहा था और दीदी मेरे साथ थी, तो उससे हम निकल आए। एक और हमने अनुभव बताया था कि मेरे एग्ज़ाम की डेट का, कैसे बाबा ने उस डेट को आगे बढ़ा दिया था। तो बहुत सारे अनुभव हुए बाबा के ज्ञान में चलते चलते। कब हमें 9 साल निकल गए मुझे खुद नहीं पता चला, और ऐसे बाबा की शक्तियाँ और जो भी बाबा ऊपर से मुझे मतलब वरदान देता है, जो भी देता है वो मुझे बहुत फील होता है। और अच्छा, ओम शांति।